सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के न्यू कलर ऑप्शन के बारे में, यानी कि डैपर ग्रीन। आज के वीडियो में अपन लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले डैपर ऑरेंज का वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, वो रहा बाइक अपने पास अंदर पार्कड है। ये बाइक डिलीवरी के लिए रेडी है, इसीलिए ये शूट हो रहा है आउटडोर। तो थोड़ा सा रोड नॉइज आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, पर बाइक के बारे में सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाने वाली है। शेड ये आप लोग देख सकते हो, सभी कलर ऑप्शन की तरह यहाँ पर भी सिर्फ फ्यूल टैंक ही बॉडी कलर में, उसके अलावा पैनल भी, फ्रंट मडगार्ड भी और रियर मडगार्ड भी, सब कुछ आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो ऑन रोड जयपुर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का डैपर ग्रीन कलर आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है 2.06, 2,06,000 ऑन रोड जयपुर ये पर्टिकुलर कलर ऑप्शन आप लोगों को कॉस्ट करेगा। ये सेम शेड है जो कि आप लोगों को क्लासिक 350 में भी अवेलेबल रहता है। सो सेम ही प्रॉपर सेम शेड है, अभी आप लोगों को आगे चल के जब उस साइड को अपन लोग कवर करेंगे तो शेड का एक प्रॉपर ना चेक मैं करवा देता हूँ। इस टाइप से ये आपका रहेगा स्टिक रिंग राइड रॉयल इनफील्ड जो कि नियॉन ग्रीन में है, हंटर नियॉन ग्रीन और अलॉयज पे भी थोड़ा सा टच एक नियॉन वाला ऐड हो जाता है। यहाँ पे है राइड और अपोजिट साइड मिलेगा प्योर, थोड़ा सा रोड नॉइज आएगा भाई उसके लिए, मैं अभी से आप लोगों को सॉरी हूँ, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाला है अगर बाइक लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो। कमेंट में ज़रूर से बताना आप लोगों को कौन सा कलर ऑप्शन पसंद आया, डैपर ग्रीन या फिर डैपर ऑरेंज। इसका एक ना पोल भी मैंने डाला था कम्युनिटी पोस्ट में, सो वो भी आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, तो इग्निशन से यहाँ पर आप लोगों को एक अपना रेगुलर जगह पर ही इग्निशन रहेगा, ये रहा वेव की देखने को मिलती है, और रॉयल इनफील्ड सिंस 1901 का प्रॉपर जो एक एम्बलम मिलता है। इग्निशन ऑन करते हैं, सो इग्निशन के साथ इस टाइप से पार्किंग लैंप अपना ऑन रहेगा, हजार्ड के लिए एक सेपरेटली स्विच मिल जाएगा जो कि अभी ऑन है। सो ये अपना हजार्ड बंद हो चुका है, इंडिकेटर ही अपना ऑन है। विंड स्क्रीन भी यहाँ पर पार्ट ऑफ एसेसरीज लगवा सकते हो, ये बाइक एक डिलीवरी के लिए रेडी है। सो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो एसेसरीज में लेग गार्ड है, सीट कवर है, प्लस जो बैक रेस्ट है ये भी एक अपना ना पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, उसी के साथ साथ सम गार्ड भी है। सो एक आगे चल के आप लोगों को और सही से दिखा देता हूँ। तो इग्निशन के साथ पार्किंग लैंप ऑन रहेगा, लाइटिंग ओवरऑल आपको मिल जाता है यहाँ पे हेलोजन में ही। इस टाइप से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, नंबर प्लेट का होल्डर अपना रेगुलर जगह पे ही आ जाता है। ये रहा इंडिकेटर का लेआउट, मैट ब्लैक वाला टोन, ऑरेंज ग्लास, इसको वाइट ग्लास भी आप लोग पार्ट ऑफ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा पे करके लगवा सकते हो। फ्रंट मडगार्ड एक्सटेंडेड के साथ है, ये आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, पर ये काफ़ी अच्छा इसका भी यूज़ हो जाता है। स्टिकरिंग अलॉयज पे अपन लोग देख ही चुके हैं, हंटर सीरीज में ना जो स्पेशली मेट्रो वाला वेरियंट है यहाँ पर टायर का सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। फ्रंट टायर है 110/70/17, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 140 का आपका रियर है। इस टाइप से ये रहा आपका लेग गार्ड, काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ ये आप लोगों को मिल जाता है। तो इसका जितना भी आप जो भी प्राइस पे कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे सेटअप है, इसके लिए थम्स अप है मेरी तरफ से। रिफ्लेक्टर आ जाता है दोनों ही साइड जो कि मैंडेटरी वाला पार्ट है। फ्रंट ब्रेकिंग भी और रियर ब्रेकिंग भी यहाँ पर मिलेगा बाइब्री में, बट यहाँ पर कोई मार्किंग अवेलेबल नहीं रहता, बट बाइब्री का ये रहा ये लोगो आप लोग देख सकते हो। डिस्क का सेटअप भी जो साइज़ है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, फ्रंट डिस्क है 300 mm का, 300 mm का फ्रंट में डिस्क है, 270 का आपका रियर है। सीएट ट्यूबलेस सभी कलर ऑप्शन में, अलॉयज जो है ये आप लोगों को मैट ब्लैक को टोन में ही मिलेगा। टायर का पैटर्न ये रहा, और इस टाइप से कुछ अपना अपोजिट साइड प्रोफाइल रहेगा, अपन लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क फील हो सकता है। ये रहा प्योर और रॉयल इनफील्ड। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये है अपना 13 लीटर का, 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। स्टिकरिंग अपन लोग देख ही चुके हैं, फ्यूल कैप क्रोम में E20 का एक स्टिकर आ जाता है, बाकी शेप और लेआउट सेम पहले की तरह जैसा कि अंडर में अवेलेबल रहता था वही वाला आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। सीट हाइट टोटल 800 mm, 800 mm का सीट हाइट है। पार्ट ऑफ एक्सेसरी सीट कवर और बैकरेस्ट, रॉयल इनफील्ड की प्रॉपर लोगो और काफ़ी अच्छी कुशनिंग ना इस सीट कवर में आप लोगों को ये मिल जाती है। साइड पैनल पे रॉयल इनफील्ड हंटर 350 का एक प्रॉपर स्टिकरिंग आ जाता है। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है, किक नहीं है इस इंजन के साथ, चाहे वो हंटर हो, क्लासिक हो, मिट्योर हो, नई वाली बुलेट हो, किसी में भी किक अवेलेबल नहीं रहता। ये अपना टेल वाला सेक्शन, लाइटिंग ये आप लोग देख सकते हो, टेल लैम्प ऑन है, नंबर प्लेट का बल्ब LED में है, इस टाइप से टेल टाइट दिया जाता है मैट ब्लैक में। टायर का पैटर्न ये रहा सीएट ट्यूबलेस। टायर की ग्रेडिंग देख लेते हैं रियर की, सो 140/70/17, 140/110, 270 mm का रियर में डिस्क है, बाइब्री ब्रेकिंग के साथ, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन रियर में मिल जाता है, मल्टीपल वे एडजस्टमेंट इसको आप लोग कर सकते हो। एग्जॉस्ट नोट भी अभी आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि बाइक ना लकीली अपने पास बाहर है, क्योंकि यहाँ पे शोरूम में बाइक स्टार्ट करना अलाउड नहीं है, बट बाहर है तो अभी आप लोगों को मैं एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। इस टाइप से कुछ फुटपैक्स हैं, यहाँ पे एक ई वाला पार्ट भी आ जाता है पिलियन के लिए जो कि कम्फर्टेबल काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये रहा राइडर का रबर ग्रविंग के साथ, ओपन टूथ में ब्रेक लीवर है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है,
J1 349 सीरीज का इंजन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एयर कूल्ड 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। 20.2 एचपी का पीक पावर और 27 एनएम का टोटल टॉर्क है। माइलेज इजीली ये वाला इंजन आप लोगों को दे देगा, सभी बाइक में ये रहता है, माइलेज का भी सेम ही रहेगा सिस्टम आपका। क्लासिक में भी, बुलेट में भी, मीटियोर में भी और हंटर में भी इजीली अराउंड 38 से लेकर के 42-45 तक भी कई लोग इस इंजन से क्लेम करते हैं, जो कि एक ऐसा नहीं है कि मानने वाली बात नहीं है। इजीली आप लोग इससे ना 45 तक का भी एवरेज निकाल सकते हो। इस टाइप से कुछ एग्जॉस्ट का ये लेआउट है। सो बाइक को कर लेते हैं पहले स्टार्ट और सुनाते हैं आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट। आइडल पे ही देख सकते हो काफी अच्छे एग्जॉस्ट नोट है यार, हंटर का स्पेशली मिलता है। सो एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को कैसा लगा? मुझे पर्सनली ना सेम ही इंजन रहता है, बट हंटर का जो एग्जॉस्ट नोट रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाला है। एक बार ये रहा सम कार्ड, ये भी पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है, ये चीज़ भी आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो। अब आ जाते हैं स्विचे सेटअप पे और MID पे देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। क्लच का फील काफ़ी लाइट है, आई बटन है, MID के लिए हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 एक स्विच यहाँ है, ये अपना इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड होने। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर है और ये अपना हजार्ड ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे स्विच। थ्रॉटल ग्रिप कर्व वाला पैटर्न है भैया, रोड नॉइज तो अभी ना ओहो NS वाह, NS भी 125 ये रहा बार एंड जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा मेटल में ही और मैट ब्लैक में। रियर व्यू मिरर जैसा कि क्लासिक में भी सेम रहता है, मिट्योर में भी, अंडर में भी, सो वही है। बार एंड आप लोग कंपनी से इंस्टॉल करवा सकते हो पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में। हैंडल बार का लेआउट काफ़ी वाइड हैंडल बार है, बहुत ही जल्दी राइड रिव्यू भी आप लोगों के लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। इस टाइप से की का लेआउट है, वेव की यहाँ पे मिल जाती है। MID का स्टार्टअप देखते हैं। सो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है, कॉम्बिनेशन है डिजिटल प्लस एनालॉग। 160 तक मार्किंग यहाँ पे आप लोगों को स्पीडोमीटर में रहने वाली है। इजीली आप कह सकते हैं 110 120 तक आप लोग इजीली हंटर से ना क्रूज कर सकते हो, क्योंकि ये ना वेट में भी 10 kg लाइटर हो जाता है क्लासिक से भी और मिट्योर से भी। 181 के अराउंड इसका ना टोटल वेट रहता है, 181 kg। सो MID में देखते हैं और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये अपना फ्यूल गेज, क्लॉक, गियर इंडिकेटर और प्लस इको इंडिकेटर भी यहाँ पे शो होता है। ट्रिप एफ अभी आ रहा है, उसके अलावा ट्रिप ए आ जाता है, ऑडोमीटर आ जाता है और ट्रिप बी एरा। सो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा MID सेटअप में। और ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो शेड की जो मैं बात कर रहा था ना, क्लासिक और ये रहा अपना हंटर का। ये बाइक डेमो भी कल और थोड़ा सा यूज्ड है, इस वजह से शेड में हल्का फुल्का फर्क है और ये नया है, तो वो आप लोग समझ ही सकते हो। अपोजिट साइड से देखते हैं तो चेन का सेटअप फुली ओपन वाला है। इस पॉकेट का साइज आप लोग देख सकते हो, साड़ी गार्ड है, फुट रेस्ट यहाँ पे नहीं है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग सिंगल हेड में गियर लीवर है, 5 स्पीड गियरबॉक्स, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड ये भी दोनों है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ। इस साइड से कुछ इंजन का लेआउट है अपोजिट साइड से देखने में। सो ये हो जाता है जी अपना पूरा वीडियो कंप्लीट। 206,000 ऑन रोड जयपुर, कैसा लगा आप लोगों को ये वाला कलर ऑप्शन कमेंट में ज़रूर से बताना। मुझे पर्सनली भी ऑरेंज से ज़्यादा ग्रीन वाला कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सो करते वीडियो को एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।